Hey guys, this is Kinnari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. So, Arshin Namdar, ये नाम वैसे तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, बट जो लोग इस नाम से रूबरू नहीं है, मैं आपको बता दूं कि अर्शिन वही है जिन्होंने स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो नामकरण में अवनी का रोल प्ले किया था, जो जब अवनी को 10-12 साल का बताया गया था. तो यस, इनके बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ना ही वो किसी प्रोजेक्ट में वापस आ रही है, ना ही वो किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनने वाली है. बट द न्यूज रिलेटेड टू हर इज डेफिनेटली वेरी सैडनिंग एंड शॉकिंग, एज वेल एज इट स्टिल शोज व्हाट आर एजुकेशन सिस्टम लैक्स. सो बेसिकली हुआ ये कि अर्शिन अब 10th स्टैंडर्ड में है, उनके लिए बहुत ही क्रूशल ईयर है, एंड अनफॉर्चुनेटली शी इज फेसिंग अननेसेसरी मेंटल ट्रॉमा इन हर स्कूल. तो हुआ ये कि अर्शिन की जो मॉम है, जो कि खुद एक एक्ट्रेस है, एंड वो साथ निभाना साथिया जो स्टार प्लस पे आ रहा है उसका हिस्सा है, उन्होंने कहा कि अर्शिन ने एक प्रोजेक्ट बनाया था एंड प्रोजेक्ट में अर्शिन ने अपनी पिक्चर्स भी चिपकाई थी, एंड उनके कुछ स्टूडेंट्स हैं उस क्लास के जो अर्शिन को कंटिन्यूसली हैरेस कर रहे हैं. उन्होंने ना ही अर्शिन का प्रोजेक्ट फाड़ा, लेकिन अर्शिन के जो पिक्चर्स थे जो प्रोजेक्ट पे, उसे भी फाड़ा, उसके साथ भी छेड़खानी की. जब अर्शिन ने अपने टीचर को ये बताया तो टीचर ने उन्हें रीअश्योरेंस दिया कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, एंड अर्शिन की टीचर ने उन्हें कहा कि वो एक नया प्रोजेक्ट बनाए. खैर, अर्शिन की मॉम का ये कहना है कि उन्होंने जो रिस्पेक्टेड लोग हैं कंप्लेन की है वहां पे स्कूल अथॉरिटीज से अबाउट द बिहेवियर ऑफ द फेलो स्टूडेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली अब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. एंड अर्शिन की मॉम वरिड है बिकॉज ये पूरा जो बुलिंग है, जो ये अननेसेसरी का हैरेसमेंट है, इससे अर्शिन पे असर पड़ रहा है इन अ वेरी नेगेटिव वे, जिसके वजह से ना उनका पढ़ाई में मन लग रहा है ना कहीं और. हम आपको ये भी बता देते हैं कि अर्शिन ने की जो मॉम है उन्होंने ये भी कहा कि अर्शिन द रीजन यू नो ये जो लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं वह अर्शिन को हैरेस कर रहे, कैन बी वन ऑफ द रीजन बिकॉज अर्शिन ने बहुत ही कम एज में बहुत ही ज्यादा कुछ अचीव कर लिया, एंड जेलेसी कैन बी वन ऑफ द फैक्टर. बट अर्शिन के मॉम ने कहा कि है कि अर्शिन ने कभी भी अपने अचीवमेंट्स का गलत फायदा नहीं उठाया है, ना ही कभी शो ऑफ किया है, बट सैडली इसके बावजूद भी उन्हें ऐसा बिहेवियर जो है वो सफर करना पड़ रहा है. वेल, ऑल यू कैन से इट इज वेरी सैडनिंग, एंड वी बिलीव कि इन सब में से ज्यादा जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वो स्कूल अथॉरिटीज होते हैं, जिनकी चार दीवारी में अगर ऐसे कुछ घटना घट रही है, सो इट इज देयर फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इस पर एक्शन ले, इस चीज को सुधारे एंड मेक श्योर करे कि आगे ऐसा कुछ ना हो. Do let us know what are your thoughts in the comment section below. And for more news, latest update, gossips and exclusive interviews, do subscribe to Glitz Vision USA. What's up guys, this is Aastha Gill and you're watching me on Glitz Vision USA.